अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एयरड्रॉप हंटर्स फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट पर रिव्यू करेंगे। काफ़ी स्ट्रांग प्रोजेक्ट है और ऑलरेडी जो है लिस्टेड भी है, तो क्या है उनका कॉन्सेप्ट इसके बारे में हम जानेंगे। तो वेबसाइट का लिंक जो है, आपको सारे लिंक इनके सोशल मीडिया के लिंक है वो सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है स्टूडेंट कॉइन। स्टूडेंट कॉइन जो है कि डेफाई जो है प्रोजेक्ट है, तो क्या है इनका एम, ये सारी डिटेल हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्रिएट एंड मैनेज योर ओन पर्सनल स्टार्टअप ऑफ डेफी टोकन। स्टूडेंट कॉइन इज अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम दैट अलाउज एवरी पर्सन, प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एंड इजली मैनेज इट्स ओन टोकन। तो यहाँ पर जो आप क्लिक करते हैं इकोसिस्टम पर, तो यहाँ पर इनका आपको मिल जाता है लर्निंग है, वोटिंग है और एक्सचेंज है। नीचे आते हैं, इनके 10,000 यूजर्स हैं और 500 यूनिवर्सिटी के साथ इनकी कोलैबोरेशन, जो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर इनकी इनके साथ इनकी कोलैबोरेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइन अफ्रीका पर ये लिस्ट भी है, वहाँ पर इसके जो रेट है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। रैंक इसका ये सारा यहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट कॉइन का दिखाया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट कॉइन के बारे में डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरह का ये प्रोजेक्ट है और किस तरह ये वर्क करता है। तो जो स्टूडेंट कॉइन एसटीसी इज द यूनिवर्सिटी ड्राइव्ड प्रोजेक्ट कनेक्टिंग कम्युनिटीज ऑफ एकेडमिक्स एंड इन्वेस्टर्स, अलाउंग फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एसटी बेस्ड टोकन्स फॉर पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स एंड प्रोजेक्ट्स। टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ जेनरेटिंग अ टोकन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेप्ट पर्सन, बिजनेस और अदर सेट पर्पज। टोकनाइजेशन हैज ग्रेट पोटेंशियल इन क्राउड फंडिंग आइडिया गवर्निंग एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट्स। द स्टूडेंट कॉइन पावर्स द रिलायबल प्लेटफॉर्म टू इजली क्रिएट, डिवेल्प एंड मैनेज यूअर ओन टोकन्स। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट कॉइन के जितनी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, तो इनका जो एम है वो सारा मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट कॉइन जिसमें जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके ये 500 यूनिवर्सिटी के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो इन 500 यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट जो अपने कॉइन को या प्रोजेक्ट पर जो भी काम करते हैं, तो उनमें ये उनकी आईसीओ और कॉइन वगैरह वो इस पर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ये उनकी हेल्प करते हैं। मतलब जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी अपने प्रोजेक्ट को, अपने कॉइन को क्रिएट करने के लिए या मार्केट में लेकर आने के लिए, तो ये जो है उनको सारी हेल्प जो है ये उनको प्रोवाइड करते हैं। इस तरह का इनका ये सारा जो है प्रोजेक्ट है। नीचे आते हैं, टू रेज अवेयरनेस अराउंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड परफॉर्म द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द इकोनॉमी बेस्ड ऑन टोकन्स। स्टूडेंट कॉइन सपोर्ट्स एजुकेशन एंड कोऑपरेट विथ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एट ओवर 500 टॉप यूनिवर्सिटी। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये काफ़ी, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है उन स्टूडेंट की हेल्प करते हैं जो इनका मज़ीद ये कहना है कि मतलब जैसे वो अपनी तालीम पर भी मुकम्मल तवज्जो दें, उनको ये टेंशन ना हो कि हमने अपनी तालीम भी मुकम्मल करनी है और अपने प्रोजेक्ट को भी आगे लेकर आना है। तो ये हर उस चीज़ में इनकी हेल्प करते हैं जिसमें उनको उनकी हेल्प चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, ये सारी जो स्टडी के लिए। और उसके अलावा ये है कि इनको मतलब अगर वो दोनों काम को एक साथ लेकर जाते हैं, प्रोजेक्ट को भी अपनी स्टडी को भी, उनको ये टेंशन ना हो कि हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए ये करना है। ये सिर्फ अपना आइडिया उनको बताएंगे तो वो इनकी जो है उसमें इनकी जो है वो हेल्प करेंगे, और यहाँ तक भी हेल्प करेंगे तो जितने के इनको एक टीम तक वो जो है, अगर उनको अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एक टीम चाहिए होगी तो वो भी इनको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं, अ स्टूडेंट कॉइन वर्क्स विद अ स्टूडेंट एट ओवर 500 यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी दुनिया की जो यूनिवर्सिटी हैं वो 500 टॉप, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर भी आकर चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तमाम ममालिक दिए हुए हैं और आगे उनकी यूनिवर्सिटियां दी हुई हैं जिन पर ये इनकी सारी कॉरपोरेशन है जिनके साथ ये मिलकर जो है वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको पूरी 500 जो यूनिवर्सिटियां हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, दुनिया की जो टॉप 500 है उनके साथ इनकी कॉरपोरेशन है। उसके बाद नीचे आते हैं इन एक्सचेंजेस पर, ये लिस्ट है यूनिस्वैप कोइन टाइगर पर, ठीक है। और यहाँ पर आप इनका जो मेन यहाँ पर एम है उसमें इन्वेस्टिंग भी है, एजुकेशन भी है, यूटिलिटीज भी है, यहाँ से आकर इनका अवर गोल ये सारा आप पढ़ सकते हैं। नीचे आते हैं वाई स्टूडेंट कॉइन का, फिर उन्होंने थोड़ी सी वो बताई हुई है, एसटीसी इज रिलायबल फंडिंग मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन एकेडमिक वैल्यूज। एसटीसी विल अलाउ यू टू क्रिएट योर ओन टोकन एंड मैनेजमेंट इट्स यूटिलिटीज इन दी एसटीसी टर्मिनल। उसके बाद आगे आते हैं तो आगे फिर उन्होंने बताया हुआ है, एसटीसी क्रिएट द एजुकेशनल प्लान पैनल द प्रोमोटर्स टोकनाइजेशन एंड एजुकेट अबाउट इकोनॉमिक फिनांस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। उसके बाद नीचे आते हैं मजीद इसकी डिटेल जो है यहाँ पर दी हुई है, एसटीसी बिल्ड द ग्लोबल कम्युनिटी दैट कनेक्ट्स नॉट ओनली द क्रिप्टो इन्वेस्टर बट आल्सो अ स्टूडेंट। नेक्स्ट इनका स्टेप है, एसटीसी टोकन होल्डर्स विल रिसीव अ डिविडिंग जनरेटिंग इन द एसटीसी एक्सचेंज फ्रॉम द फी फ्रॉम टोकन्स ट्रेडिंग एंड क्राउड फंडिंग। उसके बाद आता है, एसटीसी टोकन्स विल वर्क एज द रिफरेंस करेंसी एंड वैल्यू स्टोरेज फॉर ऑल द टोकन्स इन द स्टूडेंट कॉइन इकोसिस्टम। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप इनका रोड मैप देख सकते हैं, 2017 से ये मार्केट में है। तो उसके बाद जो जो इन्होंने वर्क किया उसकी सारी डिटेल आपको इनके रोड मैप पर मिल जाएगी और आगे इनके फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है वो भी आपको यहाँ पर 2021 में यहाँ पर ये सारी इन्होंने डिटेल दी हुई है। ये 2022 तक क्या करेंगे ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर इनके रोड मैप में मिल जाएगी। और यहाँ पर आप इनकी जो है टीम चेक कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांग टीम है आपके सामने है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग मुझे ये प्रोजेक्ट लग रहा है। तो उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये इनकी मीडिया की न्यूज़ हैं ये सारी चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट है टोकन उसकी ये सारा बताया हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रांग ये कम्युनिटी वगैरह भी है यहाँ पर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये इनकी कम्युनिटी है सारी, यहाँ से आपको इनकी ईमेल मिल जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं इनका टोकन के बारे में, तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है डेसिमल 2 है और यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, होल्डर इनके 151 है, टोटल सप्लाई यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर ये आप इनके होल्डर्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉइन मार्केट का पर आते हैं तो यहाँ पर आप इनकी प्राइस जो है उस चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम इनका चेक कर सकते हैं, टोटल सप्लाई भी यहाँ पर दी हुई है, मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर दी हुई है। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर कॉइन टाइगर पर भी इसका प्राइस मिल जाएगी और यूनिस्वैप पर भी इसकी प्राइस मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई दम लग रहा है तो चेक कर सकते हैं आप भी, मुझे काफ़ी स्ट्रांग ये प्रोजेक्ट लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।